नेपाळ मधल्या जनकपूर धाम मधून अयोध्या मध्ये हे भक्त जे आहेत ते दाखल झालेले आपण पाहतोय की रामाच्या दर्शनासाठी हे सगळे नेपाळ मधले लोक जे आहेत ते आता जाताना आपल्याला पाहायला मिळतात। आपण त्यांच्याकडून जाणून घेणार आहोत कहां से आए हो। हम लोग जनकपूर धाम से आए हैं, राम जी के ससुराल से आए हैं। क्या क्या लाए हो? जानकी जी के मायके से आए हैं। हम लोग हार लाए हैं उनके लिए, हमारी जो दीदी हैं उनके लिए। आज बहुत खुशी का दिन है, घरवास है उनका, इसीलिए उनका हम जेवर लाए हैं, भार लेकर आए हैं। क्या महत्व है इस यात्रा का? इस यात्रा का ये है, जो घर का घरवास होता है ना, वही हम लोग घरवास का संदेश लेकर आए हुए। आप ससुराल से आए हो राम के? जी हम लोग नेपाल से आए हैं, ससुराल से आए हैं, भार लेकर के आए हैं। 1100-1200 आदमी आए हैं और टेंट में जो रह रहा था मेरा किशोरी जी के घर, वहीं पर घरवास के लिए। अभी आनंद है आपके मन में? मंदिर बहुत आनंद का कोई सीमा नहीं है। जो हमारी किशोरी जी है ना, वो जो इतना बरस से जो टेंट में रह रही थी, आज उनका महल बन रहा है, हम लोग के लिए बहुत खुशी का बात है। पाते कि क्या लाए हो आप साथ में? ये इसमें तो कपड़ा है फिलहाल, लेकिन वो हर चीज जो जितना चाहिए उतना सब लेके आए हैं। ओके, अभी मंदिर जा रहे हो आप? जी हाँ, हम जनकपुर से आए हैं, जिधर परशुराम तालाब, बाबा परशुराम तालाब है ना, उधर से सब माओ धमाखान। पाते कि अशा पद्धतीने सजावट करून हे जे आहे ते कैसा लग रहा है? आप अभी अयोध्या में आए हो? जी जी, बहुत सुंदर लग रहा है, किशोर जी के दरबार में, राम जी के दरबार में बहुत सुंदर लग रहे हैं। आपने कौन सा पहराव किया है, कौन सी वेशभूषा आपने परिधान की है? ये सखी है, इसको सखी श्रृंगार कहते हैं। जी इसके 16 श्रृंगार बोलता है। जी जी जी। ओके, क्या क्या लाए हो आप नेपाल से? नेपाल से किशोर जी के लिए तो सबको भार लेके आते हैं, तो वही किशोर जी की हजरा लगाने के लिए हम लोग भी आए नेपाल से। की नेपाळ मधून हे सगळे भक्त जे आहेत ते अयोध्येमध्ये दाखल झालेले आहेत आणि रामासाठी सासुरवाडीहून आहेर जो आहे तो अयोध्येमध्ये दाखल झाला। कॅमेरा पर्सन राकेश सोनी, प्रदीप कापसे, TV9 मराठी, अयोध्या। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।